हेलो एवरीवन, आज इस लेक्चर के अंदर मैं बात करने जा रही हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये तीन पार्ट के अंदर डिवाइड है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स एंड एसेसरी ऑर्गन्स। सो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं ये एक्सटर्नली विजिबल पार्ट्स होते हैं फीमेल के अंदर, और इसे कंबाइनली वल्वा या प्यूडेंडम भी कहते हैं। और इस टॉपिक को मैंने सेपरेटली डील किया है, सो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसे आप ज़रूर देखें। नाउ सेकंड पार्ट होता है इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, वो सारे पार्ट जो कि इंटरनली लाई डाउन रहते हैं, अंदर की ओर रहते हैं। और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स के अंदर आता है वजाइना, यूट्रस, फिलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज। एंड तीसरा भाग होता है एसेसरी ऑर्गन, एसेसरी ऑर्गन यानी मेमोरी ग्लैंड्स या कह सकते हैं ब्रेस्ट। सो ये लैक्टेशन में हेल्प करता है आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी। सो इस पार्ट के अंदर मैं इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन के अंदर वजाइना के बारे में यहाँ पे डील करूँगी, एंड नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर हम यूट्रस, फिलोपियन ट्यूब एंड ओवरी को डिस्कस करेंगे। सो जो वजाइना होती है ये फाइब्रोमैस्कुलर कैनाल होती है, एंड ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि सुपीरियरली और बैकवर्ड टिल्टेड रहता है। सो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ वजाइना। सो दिस इज द वजाइना, एंड इसके एंटीरियरली हम जानते हैं कि क्या प्रेजेंट होती है, दैट इज ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा। सो ये है ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, और ये एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स के अंदर पार्ट बनाते हैं, ओके, एज अ ओपनिंग के फॉर्म में। एंटीरियर ओपनिंग जो होती है वो यूरेथ्रल ओपनिंग की होती है, और पोस्टीरियर ओपनिंग जो होती है वो वजाइनल ओरिफाइस की होती है। सो दिस इज द फाइब्रोमस्कुलर कैनाल, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके सुपीरियरली यहाँ पर क्या होता है, यूट्रस का प्रोजेक्शन होता है। सो हियर इज द यूट्रस, तो यहाँ पर फाइब्रोमैस्कुलर जो कैनाल होती है ये यूट्रस के सबसे नीचे वाले भाग, जैसे कि क्या बोलते हैं सर्विक्स, उसके साथ नाइसली एम्बेडेड रहती है। इसकी जो वॉल है उसकी, ये इसकी वॉल के साथ में है। वजाइनल की जो वॉल है ये सर्वाइकल पार्ट से अच्छे से ढंग से क्या होती है, अटैच्ड रहती है। सो दिस लास्ट पार्ट इज कॉल्ड सर्विक्स, एंड ये है वजाइना। दिस इज द ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। सो वजाइना एक फाइब्रोमैस्कुलर कैनाल है जो कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, लेकिन इसका जो एंटीरियर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट है ये स्लाइट डिफरेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पर यूट्रस का जो लोअर पार्ट है वो इसके अंदर क्या हो रहा है, प्रोट्रूड हो रहा है। बेसिकली वजाइना जो होती है इसके थ्री इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। पहला, ये पैसेज वे प्रोवाइड करती है फॉर द मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंसेस ब्लीडिंग के लिए पैसेज प्रोवाइड करती है। सेकेंडली, बर्थ कैनाल का पार्ट बनाती है, क्योंकि इसी के जरिए जो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी होती है वो इसी के जरिए होती है, एंड द फीटस जो है, बेबी जो है, वो इसी रूट से क्या होता है, एक्सपेल आउट होता है। एंड थर्डली, ये रिसेप्टेबल होती है फॉर मेल पेनिस, यानी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसमें दिस इज द रूट, दिस इज अरे मेल पेनिस इंसर्ट होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। सो दीज आर द थ्री मेन फंक्शन। सो ऑन इरेक्ट पोजिशन, इरेक्ट पोजिशन में ये
हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 45 डिग्री का क्या बनाती है, एंगल बनाती है. ओके क्योंकि ये क्या है, सुपीरियरली और बैकवर्ड टिल्टेड रहती है. नाउ यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी वॉल कितनी होती है. सो फोर वॉल होती है इसके अंदर, एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल एंड टू लैटरल वॉल. ओके सो फोर वॉल होती है, लेकिन जो एंटीरियर वॉल होती है उसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर होती है. बल्कि यहाँ पर पोस्टीरियर जो वजाइनल वॉल होती है उसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर होती है, क्योंकि पोस्टीरियरली जो वॉल है ये पूरी तरीके से सर्वाइकल रीजन को एनक्लोज कर रही है. सो इसी वजह से पीछे की जो वॉल है वो क्या है, थोड़ी सी लेंदी. नाउ फोर फॉर्निसेस इसमें पाए जाते हैं. फॉर्निसेस क्या होते हैं, क्लेफ्ट फिशर्स, मतलब डिप्रेस्ड एरियाज होते हैं. सो फोर क्लेफ्ट जो है वो इन वॉल के रिलेशन में होते हैं. और ये क्लेफ्ट क्यों बन रहे हैं, बिकॉज जो यूट्रस का जो सर्वाइकल रीजन है वो इस वजाइनल पार्ट के अंदर प्रोट्रूड हो रहा है, उसके अंदर धस रहा है, जिससे कारण यहाँ पे स्लाइड क्या फॉर्म हो रहा है, देर आर फिशर्स. ओके सो यहाँ पे सर्टन फिशर्स फॉर्म हो रहे हैं, दीज फिशर्स आर कॉल्ड क्लेफ्ट. सो एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड टू लैटरल. सो एंटीरियर जो क्लेफ्ट होता है वो शैलो होता है, उतना गहरा नहीं होता है. पोस्टीरियर जो होता है वो डीप होता है. ओके एंड टू लैटरल फॉर्निसेस होता है. सो यहाँ पर जो वजाना की वॉल जो है ये एच लेटर शेप स्ट्रक्चर बनाती है, बिकॉज इट इज़ अ कोलैप्स स्ट्रक्चर, कोलैप्स रहती है. ओनली पैसेज वे के दौरान ये क्या होती है, एक्सपैंड होती है. ओके अदरवाइज इट रिमेन कोलैप्स, पूरी तरीके से बंद रहती है. सो ऑन कोलैप्स ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर ये कौन सा लेटर शो करती है, एच, जिसके अंदर एंटीरियर और पोस्टीरियर जो वजाइनल वॉल है वो अपोज रहती है और जो लैटरल वॉल्स हैं वो कंपेरेटिवली स्टिफ रहती है. सो इस तरीके से एच लेटर शेप स्ट्रक्चर ट्रांसवर सेक्शन में दिखाती है इन द वॉल ऑफ वजाइना. नाउ इसके रिलेशन की बात करें तो रिलेशन में हम यहाँ देख सकते हैं, सबसे एंटीरियरली एंटीरियर एस्पेक्ट पे लोअर पार्ट पे क्या दिख रहा है हमें, दैट इज यूरिथ्रा. सो एंटीरियरली लोअर पार्ट के अंदर यूरिथ्रा प्रेजेंट होती है एंड एंटीरियरली अपर पार्ट के अंदर यहाँ पे क्या आ रहा है, दैट इज बेस ऑफ ब्लैडर. ओके सो दिस इज द वजाइना जिसके एंटीरियरली यूरिथ्रा एंड बेस ऑफ ब्लैडर आएगा. पोस्टीरियरली हम बात करें तो पोस्टीरियरली क्या होता है, देयर इज पेरिटोनियल फोल्ड. ओके लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स हियर. सो यहाँ पे है रेक्टल वॉल, सो दिस इज द रेक्टम. एंड यहाँ पर है पेरिनियल बॉडी जिसे ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम भी बोलते हैं, पेरिनियल बॉडी. एंड यहाँ पर है दैट इज ये है पाउच ऑफ डगलास. सो पोस्टीरियरली इस वजाइनल वॉल के रिलेशन की बात करें तो अपर पार्ट के अंदर पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे क्या प्रेजेंट है, दैट इज पेरिटोनियल फोल्ड. ये पेरिटोनियल फोल्ड हमको दिख रहा है पोस्टीरियरली अपर पार्ट के अंदर, जिसे पाउच ऑफ डगलास कहते हैं. मिडिल रीजन में पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे यहाँ पर क्या आ रही है, दैट इज दिस इज द रेक्टल वॉल, एंटीरियर रेक्टल वॉल. ओके दिस इज द एंटीरियर रेक्टल वॉल जो कि मिडिल पार्ट पे पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे है. और इन्फीरियरली लोअर पार्ट पे जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे है वो क्या है, पेरिनियल बॉडी जो कि इस रेक्टम को सेपरेट कर रही है. ओके सो दिस इज द पेरिनियल बॉडी. सो दीज आर द रिलेशन ऑफ द पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स विद द वजाइना एंड लैटरली दोनों साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं, पेल्विक सेलुलर टिश्यूज जो कि ब्रॉड लिगामेंट जो होती है उसके अंदर पाए जाते हैं एंड स्ट्रक्चर्स जो कि इस ब्रॉड लिगामेंट में प्रेजेंट होते हैं जो कि इसके रिलेशन के साथ में आते हैं, दैट इज यूरेटर एंड द यूट्राइन आर्टरीज. एंड मीडियली लैटरली जो रिलेशन में आते हैं वो है लिवेटर एनाई मसल
एंड इन लोअर पार्ट जो लैटरली एस्पेक्ट पे आते हैं उसमें है बल्बो कैवर्नोसिस मसल, देन द बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल और बार्थोलिन ग्लैंड। सो ये है सारे रिलेशन, दैट इज कि इसके एंटीरियर पोस्टीरियर एंड लैटरल एस्पेक्ट पे वजारा के रिलेशन में कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। नाउ अगर इसकी वॉल की बात करें तो ये जो वॉल होती है वजनल वॉल, उसमें चार लेयर्स होती है। सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग जो होती है वो म्यूकोजा से मिलकर बनी हुई है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस लाइनिंग से मिलकर बनी हुई है, मल्टीपल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। ओके, देन इनर टू दैट इज सब म्यूकोजा जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यूज से फॉर्म होती है। एंड उसके बाद आती है मस्कुलारिस, जिसमें अगेन मस्कुलारिस में इनर लाइनिंग सर्कुलर होती है एंड आउटर जो होती है वो लॉन्जिट्यूडनल होती है। और सबसे आउटर मोस्ट जो लाइनिंग है वो है एडवेंटेशिया जो कि फाइब्रस लेयर होती है। सो अंदर से बाहर की ओर जो लाइनिंग्स हैं वो क्या है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलारिस एंड एडवेंटेशिया, सिरस लेयर। सो दीज आर द लेयर्स। नाउ अगर हम इसके सिक्रीशन की बात करें तो जो वजाइनल पीएच होता है ये एसिडिक इन नेचर होता है, जिसका पीएच 4 to 5 वैरी करता है। और ये एसिडिक इन नेचर डॉडलिन बेसिलाई की प्रेजेंस के कारण होता है। सो प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज तक जब वुमेन का रिप्रोडक्टिव एज होता है तो उस दौरान जो वजाइनल फ्लोरा होती है उसमें डॉडलिन बेसिलाई होती हैं। और ये डॉडलिन बेसिलाई जो एक्सफोलिएटेड सेल्स होती हैं, यानी जो सेल्स डेड हो जाती हैं, उन डेड सेल्स के अंदर प्रेजेंट जो ग्लाइकोजन है उस ग्लाइकोजन को ये बेसिलाइज ब्रेक करके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने का काम करती है। सो लैक्टिक एसिड एक एसिड है। सो इसकी प्रेजेंस के कारण प्यूबर्टी के अंदर, प्यूबर्टी से स्टार्ट होके जब तक कि वुमेन की रिप्रोडक्टिव एज होती है उसमें वुमेन का जो पीएच होता है वजाइनल पीएच वो कैसा होता है, एसिडिक। और ईस्ट्रोजन इन्फ्लुएंस के साथ में जब ईस्ट्रोजन का काउंट और ज़्यादा जब बढ़ता है तो उसी के साथ में ये जो पीएच है मोर एसिडिक होने लगता है। सो इसी वजह से प्यूबर्टी से मेनोपॉज के दौरान जब ये ईस्ट्रोजन हार्मोनल साइकिल के अंदर जब रिलीज होता है तो ये और पीएच को क्या करता है, मोर एसिडिक की ओर लेके जाता है। सो यहाँ पर हमने देखा कि वजाइना एक ऐसा फाइब्रोमस्कुलर कैनाल है और जो एक्सटेंशन है जो कि एक्सटीरियरली वल्वा से लेके कनेक्टेड होता है और इंटरनली यूट्राइन कैविटी को कनेक्ट करता है। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो ऑन इरेक्ट सुपीरियरली बैकवर्ड टिल्टेड रहता है, जो कि अराउंड इरेक्ट पोजीशन में 45 डिग्री एंगल को फॉर्म करता है। तो यहाँ पर हमने इसके वॉल्स, फॉर्निसेस एंड रिलेशंस, देन मस्कुलर जो पूरी होल की लाइनिंग है इनर से लेके बाहर तक, आउटर तक, वो किससे मिलके बनी हुई है, एंड सेक्रेशंस को समझा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डील करेंगे यूट्रस को। थैंक यू।